नमस्कार मित्रों, यहाँ बैठे हुए एक चीज पर हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत लंबे समय के बाद कपिल कपूर जी को हम लोगों ने अपने बीच पाया। और जब अपने बीच पाया तो कुछ बेहतरीन बातें भी हमें इनसे सुनने को मिली। मेरा तो सबसे पहला कर्तव्य है कि भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से आप लोगों का स्वागत करूं। हालांकि साहू जी ने वह काम कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरी तरफ से भी आपका स्वागत होना चाहिए। प्रोफेसर कपूर हमारे यहां लंबे समय तक रहे। सर, आप स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से जुड़े रहे, डीन रहे और आपके नेतृत्व में हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। लेकिन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस तब हिंदी उर्दू में सिमटा हुआ था। सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का अब विकास हुआ है। सर, उसमें कई भारतीय भाषाएं जुड़ी हैं और अब वास्तव में हम कुछ कुछ भारतीय भाषा केंद्र के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जब हम भारतीय भाषा केंद्र के नजदीक पहुंच रहे हैं, भारतीय भाषाओं के विकास की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उड़िया चेयर द्वारा भारतीय एपिक्स पर बात करना अपने आप में बहुत ही सुखकारी है। हमारे दो महाकाव्य जो काव्य तो बाद में बने, लेकिन संवाद के रूप में बहुत पहले से उपस्थित रहे। जहां तक राम कथा की बात है, इसका पहला रूप तो वह है जिसे शिव ने पार्वती से कहा था। एक बड़े कैनवस पर एक बड़े दायरे को, जीवन के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न मुद्दों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समेटता हुआ महाकाव्य। चाहे रामायण को देखें, चाहे महाभारत को देखें। समय बहुत है, बहुत ज्यादा बीत चुका है। मैं इन महाकाव्यों पर न जाकर के मैं केवल एक चीज की तरफ संकेत करूंगा कि हमारे एपिक्स ऐसे एपिक्स हैं कि जिनको अपने साथ लेकर के जब भारतीय मुल्क के लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो देश बस जाता है। भारत की गिरमिटियां जहां कहीं भी गए, वे अपने साथ अपने मूल्य तो लेकर के गए ही, लेकिन एपिक्स भी लेकर के गए। और उन एपिक्स से जिस तरह का समाज निर्मित हुआ, उन सब चीजों पर बात करने के लिए हम साहू जी को धन्यवाद देंगे कि बाहर से भी लोगों को बुलाए हैं और ऐसी जगहों से बुलाए हैं जहां इन एपिक्स का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय भाषाओं में अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर के, महाकाव्यों को लेकर के, प्राचीन विचारों को लेकर के बड़ी समानता है। समानता इसलिए है कि उनका मूल स्रोत एक है।
उस मूल स्रोत को हमारी भाषाओं ने किस किस तरह से ग्रहण किया है, कैसे ग्रहण किया है, क्या कोई अंतर रह गया है उनमें, अगर इस अंतर से और उसकी एक रूपता से हम सब परिचित हो सके तो यह हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की ओर अभी हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ने के लिए जिस तरह के भी प्रयास होंगे, हम उस प्रयास में भारतीय भाषा केंद्र के चेयरपर्सन के रूप में आपके साथ हैं। जो सहयोग मुझसे हो सकेगा, जितनी मदद हो सकेगी, जितना प्रयास हो सकेगा, मैं उस तरह का प्रयास करूंगा। मैं कपिल जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस बारे में जरा सा सोचिए और भारतीय भाषा केंद्र को और समृद्ध करिए। हमारे विश्वविद्यालय के लोग बैठे हुए हैं, चिंतामणि जी आए चले गए, नहीं तो मैं उनसे भी अनुरोध करता। फिर भी हम सबका प्रयास रहेगा कि हम भारतीय भाषा केंद्र को आगे बढ़ाएं और भारतीय भाषाओं को समृद्ध करके कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो उनकी परस्पर आश्रित होने की स्थिति है, इसको लोग समझें। और जब हम उड़िया की बात करें तो केवल उड़िया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं के लोग भी उसे सुनने के लिए, उसे बोलने के लिए यहाँ हमारे सामने मौजूद हों। मैं साहू जी को एक बार फिर ऐसे प्रयास के लिए धन्यवाद दूंगा। आप सब आए, सुने, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद मित्र।